जैसे कि आज हम आपको रेबीप्राजोल और डोम्प्रिडान DSR कैप्सूल के बारे में बताएंगे। इस कैप्सूल का उपयोग कब किया जाता है, मरीज को क्या दिक्कत क्या परेशानी रहती है, तब डॉक्टर के द्वारा DSR का कैप्सूल दिया जाता है। DSR कैप्सूल किस किस दवा के साथ में नहीं लेना चाहिए या फिर किस किस दवा के साथ में डॉक्टर लेने के लिए बताते हैं, इस दवा का उपयोग कब किया जाता है, इस दवा का डोज क्या होता है, ये दवा कैसे खाया जाता है, इस दवा का साइड इफ़ेक्ट क्या होता है और इस दवा को किन किस दवा के साथ में ले सकते हैं, इसके बारे में आज हम आपको हिंदी में जानकारी देंगे। DSR कैप्सूल का उपयोग सबसे पहले जान लेते हैं कहां कहां किया जाता है। जैसे कि इस कैप्सूल का उपयोग पेप्टिक अल्सर की समस्या में भी किया जाता है और डॉक्टर अदर मेडिसिन के साथ में ये भी मेडिसिन खाली पेट लेने के लिए सुबह नाश्ते के बाद में हर दवा के साथ मिला करके ये भी लेने के लिए बताते हैं DSR कैप्सूल। और जैसे कि कई बार क्या होता है कि किसी किसी को मॉर्निंग टाइम नोजिया या वोमिटिंग की समस्या होती है, जैसे कि आप बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि उनका मन सुबह के टाइम जी मचलाने लगता है और उनको ऐसा लगता है कि बुखार है या फिर एसिडिटी की मात्रा के कारण, या फिर जैसे कि अगर किसी को गैस बनना है उसकी वजह से उसके सीने के नीचे जलन होना या फिर एसिडिटी की मात्रा, या फिर हम कह सकते हैं नोजिया वोमिटिंग की समस्या में भी डॉक्टर के द्वारा DSR का कैप्सूल दिया जाता है, जिससे ये सारी दिक्कत परेशानी अगर रहती है किसी भी मरीज को या फिर किसी भी व्यक्ति को तो वह ठीक हो जाता है। जैसे कि अगर किसी को एसिडिटी की समस्या रहती है, उसे बहुत ज़्यादा गैस की समस्या रहती है और वो उसे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ रहती है, तब उस समस्या में डॉक्टर के द्वारा DSR का कैप्सूल दिया जाता है, जिससे व्यक्ति को तुरंत आराम मिल जाता है। अगर कोई मरीज है उसे गैस से बहुत ज़्यादा परेशान है, तब डॉक्टर के द्वारा DSR का कैप्सूल दिया जाता है, जिससे वो तुरंत आराम पा जाता है। और जैसे कि अगर किसी को एसिडिटी यानी गैस की प्रॉब्लम लगातार बनी रहती है, तब भी डॉक्टर के द्वारा DSR का कैप्सूल दिया जाता है, जिससे वह व्यक्ति या फिर वह मरीज ठीक हो जाता है। और जैसे कि हम कह सकते हैं अगर किसी को वोमिटिंग की समस्या रहती है, यानी जैसे मॉर्निंग में क्या होता है, जैसे वो सुबह सुबह उसे ऐसा लगेगा नोजिया वोमिटिंग की समस्या होगी, उसका जी मचलाएगा, ऐसा लगेगा कि उसे पलटी होती है एसिडिटी के कारण, तब भी डॉक्टर के द्वारा DSR का कैप्सूल दिया जाता है, जिससे अगर उसे ये दिक्कत या फिर ये प्रॉब्लम रहता है तो वो ठीक हो जाता है। पेट में बनने वाले अधिक एसिड की मात्रा को कम करने के लिए DSR का कैप्सूल दिया जाता है मरीज को, जिससे वो ठीक हो जाता है यानी उसे आराम हो जाता है। या फिर अगर किसी के सीने के नीचे यानी अगर गैस के कारण अगर उसे हार्ट बर्न की समस्या हो रही है, यानी हम कह सकते हैं अगर उसके सीने में जलन की समस्या हो रही है गैस के कारण, तब भी डॉक्टर के द्वारा DSR का कैप्सूल दिया जाता है, जिससे वो ठीक हो जाता है। या फिर हम कह सकते हैं पेप्टिक अल्सर की समस्या में, अगर किसी को पेप्टिक अल्सर की समस्या रहती है, तब भी डॉक्टर के द्वारा DSR का कैप्सूल दिया जाता है। और भी बहुत सारी दिक्कत बहुत सारी परेशानियों में डॉक्टर के द्वारा DSR कैप्सूल दिया जाता है, अदर मेडिसिन के साथ में भी कम्बिनेशन करने के लिए। और ज़्यादातर डॉक्टर DSR कैप्सूल को मॉर्निंग टाइम नाश्ते के बाद में लेने के लिए बताते हैं, लेकिन फिर भी कुछ डॉक्टर इसे अदर मेडिसिन के साथ में भी लेने के लिए बताते हैं। चलिए अब हम आपको इस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट के बारे में बताते हैं, इस मेडिसिन का क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखा गया है। जैसे कि आप अगर आपके शरीर में कहीं पर खुजली की समस्या हो, या फिर ईचिंग की समस्या हो, या फिर आपके सिर में दर्द हो, या फिर आपको दस्त की समस्या होने लगे, या फिर आपको डायरिया की समस्या हो जाए, तो ये दवा तुरंत बंद कर दें और अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से संपर्क करें। कोई भी इंजेक्शन, कोई भी दवा, कोई भी मेडिसिन आप कभी भी अपनी मर्जी से ना लें। अगर आपको दिक्कत परेशानी है तो अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से आप एक बार दिखाएं, उसके बाद में दवा लें।